करीब ये आए थे, पर देखिए एक अच्छी चीज है, तुरंत शैडो ने अपनी जगह को बदला, क्योंकि वहां रुकते मुसीबत में आ सकते थे, अकेले हैं, इन्फॉर्मेशन ले चुका है। बट जोनाथन रूफटॉप पे वो कनेक्शन होता हुआ टीम एक्सेस पार्क जाना चाहेगी आगे, बट सारंग की एक गाड़ी पे डैमेज पड़ा है, मोबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ा है, फिलहाल के लिए इस तरीके से जाना गलती हो सकती है, क्योंकि अगर बीच में ही नॉक हो गए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए जा तो जरूर रहे, जोनाथन को रिवाइवल दिया जा रहा है, बट इस तरीके से जी गॉड के पास जाना, जी गॉड एक सडन नॉक दे सकते हैं, मौका बना सकते हैं पीछे से बैकवर्ड एंगल से कनेक्ट करने की। रुस्तम और सारंग बगी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। देवियो सज्जनो, जनता जनार्दन, बिल्कुल काफी अच्छा है कि यहाँ पे फाइट हमें देखने को मिलने वाले, सारे मीनवाइल यहाँ पे टेक डाउन कर दिए जाएंगे, रिवाइवल की आवश्यकता रहने वाली, अच्छी बात है। जोनाथन को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, शैडो हल्का सा डैमेज रखेंगे, जोनाथन की बात करें ग्रेनेड यहाँ पे पिन आउट कर चुके हैं, स्काउट का वहाँ पे आई थिंक जरूर से फुटस्टेप इनको मिल रहा है, सामने से मोलोटोव का इस्तेमाल किया जाएगा, मोलोटोव का कनेक्शन भी मिला जिसके कारण अपने पोजीशन को वहां पे बदलने की जरूरत है। सारंग जो कि एक बहुत ही कमाल के असॉल्टर है, उन्हें टेक डाउन किया जा चुका है, अगेन जोनाथन भी यहां पे टेक डाउन हो चुके हैं, फाइट काफी ज्यादा यहाँ पे इवेंसिवल हो रहा है, किसके पास जाएगा कुछ भी करना मुश्किल, दोनों तरफ से ग्रेनेड के आदान प्रदान चल रहे, स्काउट पीछे थोड़ा सा टेंग क्योंकि पता है कि विंडो से ग्रेनेड आने वाले हैं, तो अपने ऊपर वो ग्रेनेड ना ले पाए इसका ध्यान रखा जा रहा है। शैडो पलक झपकते ही जोनाथन की तरफ गए थे रिवाइव देने के लिए, लेकिन आदित्य का वो ग्रेनेड वहां पे प्रॉब्लम में डालेगा, जोनाथन इस मैच से हो जाएंगे बाहर, और धीरे धीरे करके गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स बाहर होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्क अपने आप को काफी अच्छी तरीके से हमारे जी गॉड की पोजीशन यहाँ पर रिवील हो चुकी है, रुस्तम की बात करें सही समय में जी गॉड को देखा गया, अगर कुछ सेकंड का भी डिले होता तो शायद रुस्तम वहां पे टेक डाउन हो सकते थे, बट ग्रेनेड के साथ ही आगे बढ़ने का डिसीजन, थोड़ा सा रुकेंगे बोल रहे ओवर एग्रेस करने की जरूरत आई थिंक नहीं, उनके आईजीएल का कॉल होगा, थोड़ा टाइम लेते हैं उसके बाद आगे जाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि और ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो जो कम हो सकता है। जी गॉड ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाए, बट क्लच कॉर्ड इनकी पोजीशन आई थिंक अभी तक रिवील नहीं हुई है, और दो टीमों को मैं यहाँ पे आता हुआ देख पा रहा हूँ, काफी सारी टीमें यहाँ पे फाइट में इंटरेस्ट दिखा रही है, थर्ड पार्टी नहीं यहाँ पे फोर्थ पार्टी तक आ चुकी, क्योंकि टीम सोल भी पीछे से इंटर करते हुए इस फाइट में दिलचस्पी दिखा रहे, गॉडलाइक तो मुसीबत में आ चुके हैं, शायद सोल एक्सपा के ऊपर यहाँ पे मुश्किलें बड़ा, जी गॉड की बात करें तो रुस्तम को वहां पे टेक डाउन कर दिया क्लच गॉड, इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है वो दो तीन टीमों को एक साथ देखना, और इसी का फायदा शायद वहां पे गॉडलाइक हमें उठाते हुए देखने को मिल जाए। स्काउट की बात करें आगे गए, गन नहीं था हाथ में, प्रॉब्लम हो सकता था, बट उसके बाद भी चीजों को बेहतर करना चाह रहे थे, बट जी गॉड वहां पे मुश्किल में डाले, सेंसे भी मीन मैल वहां पे फाइट करे, बट ये फाइट जिस तरीके से चल रही है रोक पाना डिफिकल्ट हो रहा है। अभी क्लच गॉड की बात करें तो स्प्रे काफी कंट्रोल में था, M4 का भी काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया, रिवाइवल की कोशिश हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे रिवाइवल मिलने वाला, क्योंकि सामने से प्लेयर्स आएंगे डालेंगे, गेट का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, आखिरकार क्योंकि ओवरऑल अपने प्लेयर को नहीं बचा पाए, लेकिन सब अपोनेंट को पीछे ढकेलने में काफी ज्यादा कामयाब हुए, हेल्थ रिकवर करने का जो टाइम चाहिए शायद वो मिल चुका है, सोल भी थोड़ा सा स्लो हो चुके, 7C भी थोड़ा सा रुक चुकी है, ये फाइट काफी लंबा जाएगा, बट रुस्तम ने एक बहुत बड़ी गलती की अपने ऊपर, शायद वो ग्रेनेड आ जाता है जिसके कारण एक्सपा यहां से मुसीबत में। अब बिल्कुल टीम एक्सेस पार्क क्लच गॉड का शिकार गॉबलिन, डिंग 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 गॉबलिन की तरफ से कंफर्मेशन होता हुआ, गॉडल इस मैच से बाहर होगी, बट नियो अलादीन को कहीं ना कहीं बताते हुए कि भाई साहब आप कहां जा रहे हैं, आप आइए और लीजिए, उन्हें शिकार बना लिया जाएगा, सेवन सीज जो कहीं ना